हमारा सारा जीवन जो है वो बस दूसरों की बुराइयां देखने में ही निकल जाता है, दूसरों की निंदा करने में ही निकल जाता है, दूसरों की बुराइयां सुनने में आहा कितना रस आता है। कोई दुश्मन की बड़ाई कर रहा हो ना और वो मिस हो जाए हमसे, मतलब सुना नहीं हमें, तो दोबारा कहें अरे भैया क्या बोल रहे थे दोबारा बताना। और भले कान एकदम शांत बैठे हो लेकिन दुश्मन की बुराई हो रही हो ना खड़े हो जाते हैं, अच्छा अब आई काम की बात। इतना मजा रबड़ी रसगुल्ला में नहीं आता जितना दूसरों की बुराई सुनने में आता है, मन खुश हो जाता, अच्छा उसकी बुराई हो रही है ठीक। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि नहीं, इस समय मिला है तो इसका सही उपयोग करो, इसका भजन में भी उपयोग करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। नहीं तो फिर हमें और पशुओं में अंतर क्या रहा बताओ, पशु भी खाते हम भी खाते, पशु भी सोते हम भी सोते, पशुओं को भी बाल बच्चे होते हमारे भी होते, पशुओं का भी घर होता हमारा भी घर है, अंतर क्या है? अंतर यही है कि पशु भजन कर नहीं सकते, पशु कथा सुन नहीं सकते, पशु भगवान के नाम में हाथों से ताली बजा के कीर्तन नहीं कर सकते, पर ये सब हम कर सकते हैं। और फिर भी हम इससे चूक जाते हैं तो फिर हम और पशुओं में अंतर नहीं बचेगा। अंतर रखना है तो यही अंतर रखना पड़ेगा कि भगवान का भजन करो।